वेल डन मारुति, आपने डिटेल्स का ध्यान रखा। रात में हो सकता है मोबाइल चार्ज पे लगाने में परेशानी हो, तो इससे आपको सुविधा हो जाएगी। है कि बूट बढ़ गया, और अगर दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरा अथाह सामान हो जाए। टर्न ऑन एम्बियंट लाइट। एक्चुअली एम्बियंट लाइट इज ऑलरेडी ऑन। दोस्तों ये है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा, और इसमें ना बहुत चेंजेस हुए हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हो इंजन विद एबीएस चैनल। ये जो इसके कलर का नाम है वो एक्सुबरेंट ब्लू है, बाकी आप स्क्रीन पे आ रहा होगा नाम पढ़ सकते हैं। ये बहुत चेंज है, कहने को तो ये फेस लिफ्ट है, बट आई गेस ये जनरेशन चेंज से भी इसमें बड़ी चीज़ें दी हैं। ये आपको फ्रंट दिख रहा है इसका, तो ये है इसका साइड, काफ़ी स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर भी आपको दिया गया है। नाउ पीछे चलते हैं, तो ये है इसका रियर लुक। स्पेशल थैंक्स टू सत्यम मोटर्स जो कि होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड है, जिन्होंने मुझे इसका वीडियो बनाने की परमिशन दी। कहीं ना कहीं पीछे वाला लुक का जो रिजेम्बलेंस है वो रेंज रोवर से हल्का फुल्का आपको देखने के लिए लगेगा। मारुति की गाड़ियां पेट्रोल में आती हैं, पेट्रोल की स्टिकर एज एन एक्सेसरी मिल जाती है। सबसे पहले आप इसकी चाबी देख लीजिए, ये है प्रीमियम क्वालिटी की मारुति की स्मार्ट की, गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के, सर्च बटन नहीं दिया गया है। ये ब्लू कलर में फिनिशिंग दी गई है चाबी की। तो ये पहली मारुति की गाड़ी है जिसने इतिहास रचा है, पहली गाड़ी है जिसमें सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे लोग मारुति की गाड़ी में सनरूफ मिस किया करते थे, ब्रेजा में सनरूफ फाइनली मिल गए। कन्वेंशनल वाइपर मिलते हैं ऊपर की तरफ, लाइट का सेंसर मिलता है ऑटो हेडलैम्प के लिए, काफ़ी मस्कुलर बोनट मिलता है, और इसकी कैरेक्टर लाइन अगर आप देखोगे तो 1-2 ये मिल जाती है। अब जो सबसे बड़ा चेंज किया गया वो है इसकी रेडिएटर ग्रिल में, ये देखिए आप डार्क ग्रे फिनिश में, एकदम ग्लॉसी फिनिश में रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, और क्रोम के एलिमेंट ऐड किए गए हैं जो ज़्यादा फैशन वाला नहीं लग रहा, काफ़ी अच्छा लुक देगा हमेशा के लिए। बीच में सुजुकी का प्रीमियम सा लोगो है बड़ा सा। आ जाते हैं इसके हेडलैम्प की तरफ, तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस बार दी गई है, एक तो डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प दिया है, साथ में ये आपको सी शेप के डबल डीआरएल्स दिए हैं यहाँ पे, और आपको बड़ा सा यहाँ पे एलईडी वाला टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे की तरफ आए एलईडी फॉग लैम्प भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का कंप्लीट लुक आता है जब आपके हेडलैम्प और फॉग लाइट ऑन हो जाती है। बहुत सारे ब्रांड तो आज की डेट में सिर्फ एलईडी हेडलैम्प दे रहे हैं, बट ब्रेजा में आपको प्रोजेक्टर के साथ एलईडी मिलता है, और वो भी डुअल प्रोजेक्टर के साथ, जो एक बहुत रिच और प्रीमियम फीचर है। एसयूवी वाला जो स्टांस है वो सामने से बढ़ रहा है, बिकॉज जो क्लैडिंग है बम्पर में वो एबीएस गार्ड के डिजाइन की है, जो इसको एक स्पोर्टियर लुक साइड ढकेल रहा है, और उस पर जो चार चांद लगाने वाली चीज वो ये है कि मोटी थिक आपको स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर फिनिश में। लुक एट इट्स साइड लुक्स मोर ऑफ स्पोर्टियर साइड बिकॉज ऑफ दीज थिक क्लैडिंग्स, है ना, ये पूरी परिक्रमा कर रही है साइड से पीछे तक, और इसको और एनहेंस कर रही है ये सिल्वर फिनिशिंग, काफ़ी स्पोर्टियर और गुड लुक्स दे रहा है। आगे डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं, और आप अलॉय व्हील चेक करिए, यहाँ पे आपको 215/60 R16 यानी कि 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कितनी प्रीमियम क्वालिटी के दिए गए हैं। वंडरर के टायर्स दिए गए हैं जो कि MRF ब्रांड के हैं, यहाँ पे ABS विथ EBD सेफ्टी के लिए मिल जाता है, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल BS6 फेज 2 की जो गाड़ी है उसमें आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। ORVMs जो हैं आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाते हैं,
जो कि बॉडी कलर दिए गए हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल दिए गए हैं। सिंपल सा ओवल शेप का आपको ORVM यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड डोर हैंडल एज वेल एज को ड्राइवर साइड में भी मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। तो ये चीज़ मारुति ने अच्छी की है कि आपको ये चीज़ दी है, कॉस्ट कटिंग नहीं कही है। 3995 mm की इसकी लेंथ है और 200 mm करीब का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पूरे जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर देखने के लिए मिल रहे हैं जिस कलर की ये गाड़ी है। और इसमें फीचर एक ये है, एक बार अनलॉक करते हो तो सिर्फ ड्राइवर साइड होता है, लेकिन दो बार करते हो तो पूरे डोर अनलॉक हो जाते हैं। नाउ ऊपर से चलते हैं, स्पोर्टी कैरेक्टर को और बढ़ा देता है ये अपना रूफ रेल जो दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में। मॉडर्न जमाने की गाड़ी है तो आपको शार्क फिन एंटीना ऑब्वियसली बात है दिया ही जाएगा। बाकी क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पे दिया गया ताकि आपको कहीं से भी क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस ना हो। यहीं से आपका पेट्रोल लिड खुल जाता है और यहाँ से आपका बोनेट खुल जाता है। 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। पेट्रोल यहाँ से आप भर सकते हो और ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी में सबसे अच्छी गाड़ी मारुति की यही विटारा ब्रेजा ही है। अब इसका इंजन देख लेते हैं अपन। काफ़ी भारी बोनट है, नो डाउट, बहुत भारी है। बिल्ड क्वालिटी को जो दर्शाता है, 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग, अपग्रेडेड हार्डटेक प्लेटफॉर्म, K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो कि एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। 101 PS की पावर, 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बहुत रिलायबल ये वाला मारुति का इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है विथ मैक्सिमम रिफाइनमेंट। ऊपर बेहतरीन इंसुलेशन दिया गया है, थोड़ी भी नॉइज बाहर ना इंजन की, और कैबिन में एकदम आपका साइलेंट रहता है। ओके, बाकी मॉडिफाइड है, ये एक्सेसरी कंपनी ने लगा के दी है, फिलहाल बुक्ड है गाड़ी। पीछे चलते हैं। पीछे आपको पहले तो मैं बता चुका हूँ शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर दिया है जो इसकी स्पोर्टीनेस को बढ़ा देता है, और इसी स्पॉइलर में आपको इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZX5+। बाकी कुछ भी यहाँ पे क्रोम का काम नहीं दिया गया है, बट हाँ अच्छा लग रहा है, BREZZA क्रोम में पूरे इनिशियल्स दिए गए हैं। मारुति का प्रीमियम लोगो है। जो इस बार मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ब्रेजा में, वो मुझे लगी ये टेल लैम्प। कितनी अच्छी स्प्लिट, आधे टेल गेट पे है आधे आपके बॉडी पे है, कितनी प्यारी लग रही, एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक। नो डाउट काफ़ी अच्छी इस बार मारुति ने R&D करके ये गाड़ी बनाई है। पूरा जो काम किया है वो LED का यहाँ पे किया गया है। नाउ लुक एट इट्स ओवरऑल टेल लैम्प लुक विद इट्स रियर, वाओ अमेजिंग। सी क्या वेन्यू को लेगा, अब तो सब यही लेंगे, अब तो सब यही लेने वाले हैं। कितना स्पोर्टी कैरेक्टर झलक रहा है इसके टेल लाइट से। और ये हेलोजन मिलते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और नीचे बढ़िया स्किड प्लेट दी गई है जो काफी अच्छा स्पोर्टी लुक इसको दे देते हैं, जिसके ऊपर 2 रिफ्लेक्टर्स भी हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज लीवर यहाँ पे मिल जाता है और बूट आप देखिए कितना बड़ा दिया गया है, 328 लीटर्स का। अब यहाँ तो एक बंदा लेट जाए, इतना अच्छा बूट दिया गया है। और यहाँ पे आपको वेंडरर के ही स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है, रिम वाला। बाकी को यहाँ पे लाइट भी है जिससे आपको रात में आसानी हो जाती है, और ठीक है एक पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। और ऊपर इंसुलेशन आप देखिए सही दिए हैं, और ये देखिए पकड़ के बंद करने के लिए। अब मैंने आपको क्या नहीं दिखाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मुझे इसको हॉट और टेकी साबित करने वाला फीचर लगा वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। पहला कैमरा आपका ये है,
फर्स्ट कैमरा, ठीक है, सेकंड कैमरा आपका ये है, मारुति का ये अब कंपल्शन हो गया, हर गाड़ी में ये चीज़ टॉप मॉडल में तो मिलनी ही है। एक कैमरा आपका ये हो गया, एक कैमरा आपका ये हो गया, इसको रख देते हैं इधर पे, और लेट्स सी इसका पूरा आप फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखो, ये पूरी फैब्रिक है, ZXI प्लस है ये, एडजस्टेबल हेड रिस्ट्रेंट मिल जाते हैं, और ये जो आर्मरेस्ट मिलता है ना आगे वाला, ये स्लाइडेबल में मिलता है, पीछे वाला एक तो आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर के साथ में, और हेडरेस्ट जो मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, और ये भी पूरी प्रीमियम फैब्रिक फिनिश में मिलती है। नाउ डोर ट्रिम्स की तरफ आए तो आपको डुअल टोन, एक तो ये वाला हिस्सा ब्लैक में मिलता है हार्ड प्लास्टिक के साथ, बाकी ये वाला पूरा हिस्सा फैब्रिक में मिलता है डार्क ब्राउन के साथ में, और ये थोड़ा सा सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे दिया गया है जो इसको काफ़ी प्रीमियम बना रहा है। प्रीमियमनेस को एनहेंस करने के लिए आपको क्रोम डोर हैंडल मिल रहा है इंटीरियर वाला, और अम्ब्रेला होल्डर तो नहीं है बट बॉटल होल्डर बहुत बड़ा दिया गया है, और स्पीकर दिए गए हैं और ट्विटर दिए गए हैं। पीछे की तरफ देखें डोर ट्रिम तो सेम ही है, सिंगल बटन है बट ये नॉन इल्यूमिनेटेड है, और छोटा सा यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल रहा है, सिर्फ ये वाला जो आगे वाला बटन है ये आपका इल्यूमिनेटेड है। ये सारे डोर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, ये चाइल्ड लॉक फॉर विंडो हो गया, ये ORVM एडजस्टमेंट कंट्रोल हो गया। नीचे की तरफ आप देखोगे तो डेड पेडल भी दिया गया है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। सीट एडजस्टमेंट में ड्राइवर साइड में ZXI प्लस वेरियंट में आपको एक तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, रिक्लाइन का ऑप्शन और स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। इसको ऑन करते हैं, बस ऑन करना देखिएगा, इसको बंद कर देते हैं। मिरर अनफोल्ड हो गया और ये देखिए सुजुकी का लोगो आ गया। स्मार्ट प्ले प्रो प्लस दिया गया यहाँ पे 9 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ में। कम कर देते हैं वॉल्यूम। नाउ इस साइड के कंट्रोल सबसे पहले अपन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, ठीक है, व्यू कैमरा, पहले पूरा ये सर्कुलेट होता है, ये देखिए पूरी सर्कुलेट होता है, अब ये अंदर वाला हिस्सा सर्कुलेट हो रहा है, ये यहीं से बंद हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे इंजन स्टार्ट स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग रेड लाइट या सिग्नल, और ये बीम लेवल एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है 5 लेवल तक। हाँ ये चीज यूनिक लगी कि 5 लेवल तक, बाकी आप ये सिल्वर फिनिश देखो और ये ब्राउन इंसर्ट देखो, पूरे एसी वेंट्स को ये सराउंड करता है, और ये बीच में ट्रेपेजियम शिफ्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसका जो मेन पार्ट दिया है इस बार, सनरूफ, मारुति की पहली गाड़ी, ये देखिए वन टच ऑपरेशन के साथ क्लोज और ओपन करने का ऑप्शन है, ओके, काफी वाइड है। यस सर, मैं तो नहीं निकल पाऊंगा इससे, पर आप बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। टिंटेड है इसीलिए इस बार ये हॉट और टेकी ब्रेजा है, ओके। नाउ सनग्लास होल्डर है, कैबिन लैंप हेलोजन वाले दिए हैं, बाकी ऑटो डिमिंग वाले IRVM मिल जाते हैं, ये अपने आप एडजस्ट होते हैं डे और नाइट फीचर में। अब मैं आपको इसका सबसे अच्छा फीचर दिखा रहा हूँ, वो है इसका HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले। हेलो, और ये पूरे आप ऊपर नीचे कर सकते हो,
और ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हो। ये चीज अच्छी लगी। रियल लाइफ में काम तो कर रहा है, ऐसा नहीं। सर आपके पास शायद स्कॉर्पियो है व्हाइट कलर की। जी है ना। किधर चलना है? सस्पेंशन थोड़े स्टिफ लगे मेरे को। और अगर आपको बंद करना है इस बटन को दबाए रहो। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, सिल्वर फिनिश के साथ दिया है, पर कवर लगा दिया गया है। बाकी टिल्ट तो है ही, साथ ही साथ टेलीस्कोपिक दिया गया है और इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। बाकी लाइट कंट्रोल में ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं और वाइपर कंट्रोल में इंटरमिनेंट मोड्स मिल जाते हैं, बट ऑटो वाइपर देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं। चलिए फिर से इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। इसमें नीडल स्विंग वाला फीचर नहीं मिलता इंस्ट्रूमेंट पैनल में, पर हाँ आपको जो कंट्रोल मिलते हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। कलर्ड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इससे जो नीचे वाले वेरिएंट आते हैं उसमें मोनोक्रोम आती है। पावर टॉर्क है ना, एक्सेलरेशन, ये आपको हाइब्रिड की बैटरी कितनी है, जैसे अभी 3% बची है, बाकी इंजन से कब चल रही है ये सब बता देता है। बाकी रेंज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टैंडर्ड सा है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है और टैकोमीटर में आपको इंजन टेम्परेचर गेज, कूलेंट टेम्परेचर का मिल जाता है। बाकी नेसेसरी वार्निंग लाइट सारी दी गई हैं। हार्ड प्लास्टिक का डैशबोर्ड दिया गया, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, बाकी विजिबिलिटी की ठीक ठाक मिल जाती है आपको, नो प्रॉब्लम होगी विजिबिलिटी में, ठीक है। बाकी सिल्वर फिनिश प्रीमियमनेस को बढ़ा रहा है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है लाइट के साथ में, और एम्बिएंट लाइट भी आपको मिल रही है। ये देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये एम्बिएंट लाइट मिल रही है। और आई गेस यहाँ पे नहीं, सिर्फ डोर्स पे मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के आसपास भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। यह आपके क्रूज कंट्रोल के बटन से, और काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। बीच में हॉर्न ब्लॉक दिया गया सुजुकी के लोगों के साथ, यहाँ पे प्रीमियम सिल्वर फिनिशिंग दी गई है और यहाँ पे भी। और ये आपके ऑडियोफोन ब्लूटूथ कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से म्यूट कर सकते हो। और फोन कंट्रोल आपके ये वाले हैं। Hi, welcome Satyam Motor. What can I do for you? Turn on ambient light. Actually, ambient light is already on. Hi, welcome Satyam Motor. What can I do for you? How are you? As good as ever. I hope same for you. Okay. What can I do for you? Back cancel. Goodbye for now. Okay. Now, ये है इसका स्मार्ट प्ले प्रो प्लस। अब तो इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी देखने के लिए मिल जाता है आपको। टच रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी काफी अच्छा मिलता है। यहाँ सब आप देख सकते हो, ड्राइव रेंज वगैरह, यहाँ भी सब कुछ देख रहे हो, यहाँ भी सब कुछ देख सकते हो। कोई अलर्ट वगैरह है तो वो आपको यहाँ पे बता देगा, जैसे अभी लो फ्यूल है तो ये बता रहा है, व्हीकल अलर्ट में वार्निंग क्या दिक्कत है वो भी बता देगा। तो इसका तो आपको डेडिकेटेड वीडियो मैं दूंगा। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, रेजोल्यूशन भी अच्छा है, 9 इंच का जो आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट में मिलता है। बाकी ये फ्लोटिंग टाइप है और ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। और यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, इससे आप कम ज्यादा कर सकते हो वॉल्यूम को, इससे आप म्यूट कर सकते हो, होम पे जा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, सेटिंग में जा सकते हो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सेंटर एसी वेंट्स के मिडिल में हजार्ड लैंप बटन मिल जाता है और क्रोम वेंट नॉब मिल जाती है।
और नीचे की तरफ चलें तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है। यहाँ से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, बिल्कुल i20 जैसा ये है। और ये सारे बटन्स हैं, रीसर्कुलेशन बटन, ऑफ बटन, ऑटो बटन, फ्रंट, रियर, पोजीशन कौन सी चाहिए आपको, है ना, यहाँ से पूरा आप ऑफ कर सकते हो। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। और नीचे की तरफ चलते हैं, ये हॉट एंड टैकी ब्रेजा है। तो पहला तो आपको चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे भी देखिए एम्बियंट लाइट दी गई है। वेल डन मारुति, आपने डिटेल्स का ध्यान रखा। रात में हो सकता है मोबाइल चार्ज पे लगाने में परेशानी हो, तो इससे आपको सुविधा हो जाएगी। दूसरा आपको मिलता है 12 वोल्ट का DC सॉकेट, और तीसरा इस बार आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। अभी आप देख सकते हो ऑरेंज लाइट इसलिए जल गई है कि सारे डोर मैंने क्लोज कर दिए। जब तक चारों डोर बंद नहीं रहेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, और जैसे ही आप मोबाइल इस पे रखोगे तो ये ऑरेंज लाइट ब्लू हो जाएगी। काफी अच्छा आपको गियर लीवर मिल जाता है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल एज 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आपको ब्रेजा में देखने के लिए मिल जाता है। क्वालिटी वाइज ठीक है, लेदर रैप तो देखने के लिए नहीं मिलता, बट ठीक है, छोटा सा गियर ट्रेवल है, आपको आसानी रहेगी लगाने में, शिफ्ट करने में। बाकी एक स्पेस दे दिया गया है यहाँ पे, और ये तो स्लाइडेबल मिलता ही है, दो स्पेस रख दिया गया है बिकॉज ऑफ आप इसको चाबी रख सकते हो अपनी, और यहाँ पे बॉटल होल्डर दे दिया गया है, कप होल्डर। बाकी ये पार्किंग ब्रेक लीवर है आपका क्रोम फिनिश के साथ में, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। ठीक है, मारुति ने क्वालिटी का किया है काम अच्छा, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया है, आप ओवरऑल अगर देख लोगे। ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, और को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिलता है विथ लाइट। और बाकी ये एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं 3, इसमें नहीं मिलता। और ड्राइवर साइड में ना आपको ऑटो डाउन के साथ साथ ऑटो अप भी देखने के लिए मिलता है विथ पिंच गार्ड। पीछे क्या क्या सुविधा आपको मिलती है, तो यहाँ पे तो आप एक बार इसी ग्रैब हैंडल में आप कुछ भी अपना लटका सकते हो, सब्जी वगैरह। बाकी पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे भी आपको एक मिल जाता है हुक जिससे आप कुछ भी लटका सकते हो। सामने आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक USB टाइप ए और दूसरा टाइप सी मिलता है, तो ये भी मॉडर्न हो गई। बाकी यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी ऊंचे ऊंचे हेडरेस्ट दिए गए हैं, और ये बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसा दिया गया है। पीछे भी आपको कैबिन लैंप मिल रहा है, पीछे पार्सल ट्रे जिसमें आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक ना महसूस हो इसलिए ये क्वार्टर ग्लास मिलता है। पीछे वाले डोर ट्रिम्स में भी एम्बियंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है, और आइसोफिक्स एंकरेजेस मिलते हैं चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए रियर सीट्स में। आगे का कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का लुक मिलता है, काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम फील ये दे देता है। और एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व करी हो ध्यान से, सिर्फ लेफ्ट साइड की ही नी पैड से डैशबोर्ड में पूरा सिल्वर गार्निशिंग कंटिन्यू है, राइट साइड में कोई भी योगदान उसका नहीं है। और इतना ही नहीं, हाइट एडजस्टमेंट वाला सीट बेल्ट भी यहाँ पे मिल जाता है आगे के लिए। चलते हैं ब्रेजा के कम्फर्ट की तरफ। मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, और यहाँ पे मुझे बेहतरीन नी रूम देखने के लिए मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है आगे वाली सीटों में, नो डाउट, और हेड रूम मेरे हिसाब से परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी एर्गोनॉमिक्स वाइज सारे बटन्स मेरे हाथ में आराम से आ रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक स्पेस आगे बहुत अच्छा दिया गया है। पीछे मैंने आगे की सीट, जैसे कि मैंने आपको बताया 5'11" हाइट है मेरी, और मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, तो मुझे सफिशियंट यहाँ पे नी रूम मिल रहा है। हेड रूम की भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर मेरा टकरा नहीं रहा है, और अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा दिया गया है, मतलब आप लॉन्ग ड्राइव के दौरान बिल्कुल भी नहीं थकने वाले हो, और कम्फर्टेबल ब्रेजा में आराम से बैठ जाओ। जो आपकी सीट मिलती है वो 60-40 में मिलती है, जैसे एक मैंने लिटा दी, एक मैंने उठा दी, तो ये चीज ना प्रीमियम गाड़ियों वाला एक फीचर होता है। अच्छा, निकल जाती है। ओहो, ओके। अच्छा, ये फ्लैट फोल्ड कर दिया अपन ने, तो ये है कि बूट बढ़ गया, और अगर दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर अथाह सामान हो जाए।
तो ये था ब्रेजा ZXi Plus का एक डिटेल्ड वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको फीचर्स भी दिखाए, कंफर्ट भी दिखाया, इसके अलावा बताया ओवरऑल गाड़ी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी गाड़ी मारुति सुजुकी की लेनी हो अरीना वाले शोरूम से, सो यू कैन विजिट सत्यम मोटर, जो कि होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड है। एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक यादव सर को, जो यहाँ पे एज अ एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, उन्हीं ने मुझे हेल्प करी इस वीडियो को शूट करने के लिए। उनका भी नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छी डील्स और ऑफर से अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहीं ज़रूर आइएगा भोपाल में।